जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार भजन कीर्तन। आज मैं राहु के बारे की जानकारी देने जा रहा हूं। यदि राहु आपकी कुंडली में अशुभ है तो आपको वो क्या क्या परिणाम दे रहा है। राहु कूटनीति का सबसे बड़ा ग्रह है। राहु संघर्ष के बाद सफलता दिलाता है। यह कई महापुरुषों की कुंडलियों में भी स्पष्ट हुआ है। राहु का 12वें घर में बैठना बड़ा ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह जेल और बंधक का मालिक बताया गया है। यदि 12वें घर में राहु बैठा है, राहु 12वें भाव में बैठा है, तो आपको जेल अवश्य होगी, इसमें कोई बाधा नहीं। 12वें घर में बैठकर अपनी दशा अंतर दशा में या तो पागल खाने में या अस्पताल में या तो जेल में आपका जाना आवश्यक है, क्योंकि 12वें भाव में राहु बहुत ही अशुभ माना गया है। किसी भी कुंडली में राहु चाहे जिस घर में बैठे, वो 19 वर्ष होने पर आपको अच्छा फल दे देता है, और जैसे ही 20 वर्ष होते हैं वो सारा नष्ट कर देता है। ये राहु अशुभ होने के कारण होता है। और मित्रों, राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। राहु और चंद्रमा जब भी एक साथ किसी भाव में अगर ये रहते हैं तो ये बहुत चिंता का विषय हो जाते हैं, तब तो बहुत ही अनर्थ होने की संभावना है। कहते हैं कि राहु की अपनी कोई राशि नहीं है, ये जिस ग्रह के साथ बैठता है वहाँ पर 3 कार्य अवश्य कर देता है। उस ग्रह की सारी शक्ति समाप्त कर देता है और उसकी शक्ति वो स्वयं ले लेता है। उस भाव में अत्यधिक संघर्ष करा देता है और ये सफलता भी नहीं देता है। मित्रों, कुंडली के राहु के अशुभ होने के कुछ योग भी हैं, जैसे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सप्तम, नवम, दशम और एकादश भाव में राहु की स्थिति शुभ नहीं मानी गई है, परंतु कुछ विद्वान तीसरे भाव में और छठे भाव में तथा 11वें भाव में राहु की स्थिति को शुभ भी मानते हैं। नीच अथवा धनु राशि का राहु अशुभ फल देता है। यदि राहु शुभ भाव का स्वामी होकर अपने भाव में छठे और 8वें स्थान पर बैठा है तो वो अशुभ फल देता है। यदि राहु श्रेष्ठ भाव का स्वामी होकर सूर्य के साथ बैठा है और शुक्र व बुध के साथ बैठा है तो वो अशुभ फल देता है। इसलिए मित्रों, जन्म कुंडली में राहु की अशुभ स्थिति यदि है तो राहु कृत पीड़ा के निवारणार्थ राहु शांति के उपाय आपको अवश्य करनी चाहिए। इससे आपको अवश्य लाभ होगा। मित्रों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।